नमस्ते, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ फूड हेल्थ एंड ब्यूटी में। आज हम बनाने वाले हैं पालक चिकन। सबसे इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अब देख लीजिए इसे बनाना कैसे है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने पतीले में पानी गर्म कर लिया है। जब आपका पानी अच्छे से बॉयल हो जाए उसमें आप ऐड कर दें पालक। पालक यहाँ पे मैंने एक से डेढ़ गड्ढी के करीब लिया है। एक बार इसे बॉयल आने दें, उसमें हम ऐड कर देंगे एक चुटकी चीनी। पालक को ज़्यादा देर बॉयल नहीं करना है, एक से दो मिनट के लिए हम इसे बॉयल करेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब पालक को हमें सीधे ठंडे पानी में डाल देना है, बिल्कुल आइस वाटर होना चाहिए, उसमें हम पालक को डाल देंगे। इससे क्या होगा, चीनी डालने से पालक का कलर चेंज नहीं होगा, आपका कलर बिल्कुल हरा रहता है। अब जब इसे हम तुरंत निकाल देते हैं गर्म पानी से तो इसका जितना भी न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो भी बनी रहती है। अब ठंडे पानी में डालने के बाद इसे तुरंत निकाल के आप मिक्सी में डाल दीजिए। एक मुट्ठी धनिया पत्ता। अब इसमें डाल देंगे हम चार से पांच हरी मिर्च। इसे एक दरदरा पेस्ट बना लेंगे कुछ इस तरह से। पूरी तरह से फाइन पेस्ट ना बना के इसे एक दरदरा पेस्ट बनाइए। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई गरम कर लिए हैं, इसमें डालेंगे तीन से चार चम्मच रिफाइंड ऑयल। इसे हम हल्का सा गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे एक बड़ा चम्मच बटर। बटर को इसमें हम मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। जब बटर हमारा हल्का सा मेल्ट होना शुरू हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे खड़े गरम मसाले। यहाँ पे मैंने एक तेज़पत्ता, एक छोटी सी दालचीनी के टुकड़ा, तीन से चार लौंग, सात से आठ काली मिर्च और आधी छोटी चम्मच जीरा इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें हरी इलायची या फिर बड़ी इलायची वो भी डाल सकते हैं। अब एक बार हमारा बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज। यहाँ पे मैंने दो प्याज को चॉप करके डाले हैं। हल्का सा सुनहरा रंग होने तक इसे हम भून लेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब इसमें हम डाल देंगे सूखे मसाले, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच, जीरा यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच इस्तेमाल किए हैं, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इन सारी सूखे मसालों को हम हल्का सा तेल में भून लेंगे। यहाँ पे मैंने कश्मीरी रेड चिली का इस्तेमाल किया है क्योंकि हमने पहले से हरी मिर्च को पीस लिया है पालक के साथ। तो हल्का सा इसको मसाले को हमें भून लेना है, बिल्कुल धीमे आंच में भूनेंगे क्योंकि सूखे मसाले हैं, जल जाने के चांस है। अब इसमें हमें डाल देना है टमाटर। यहाँ पे मैंने दो टमाटर को चॉप करके डाल दिए हैं, दो मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। पहले मैंने यहाँ पे टमाटर डाले हैं ताकि हमारे मसाले ना जले, और टमाटर भी हमें थोड़ा सा इस ग्रेवी में सॉफ्ट ही करना है तो इसलिए मैंने पहले टमाटर डाल दिए। हल्का सा जब टमाटर हमारा सॉफ्ट होना शुरू हो जाए उस टाइम पे हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। दो चम्मच इसमें मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दिए हैं। अब हमें अदरक लहसुन को भी अच्छे से भून लेना है। अदरक लहसुन और टमाटर एक साथ पकेंगे। अदरक लहसुन की जब तक कच्चा स्मेल नहीं चला जाता है हमारा मसाला भुन के तब तक अच्छे से नहीं तैयार होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अदरक लहसुन हमारी पूरी तरह से भुननी चाहिए। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे हम भूनते रहेंगे तो हमारा अदरक लहसुन अच्छे से तीन से चार मिनट के अंदर भुन जाएंगे। यहाँ पे मेरे अदरक लहसुन भुन चुके हैं, तेल निकलने लगा है किनारों में से। इस टाइम पे हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। आप चिकन के करी कट पीस कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ड्रमस्टिक का इस्तेमाल किया है, चिकन ड्रमस्टिक का। अब इसे हम अच्छे से भुनेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। आपको इसे चलाते रहना है जब तक हमारे चिकन के ऊपर एक अच्छा सा सुनहरा कलर का कोटिंग नहीं हो जाता है। चिकन को हमें मसाले के साथ अच्छे से कुक करना है, लेकिन ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि बाद में हमें इसमें पालक भी ऐड करनी है। हल्का सा इसे हम पलट के कुक करेंगे जब तक हमारा चिकन के ऊपर एक बढ़िया सा गोल्डन कलर का कोटिंग नहीं आ जाता। यहाँ पे मेरे चिकन के ऊपर अच्छे से कोटिंग आ चुके हैं। इस स्टेज में हम इसमें ऐड कर देंगे पालक के प्यूरे, जिसमें हमने पालक, धनिया पत्ता और हरी मिर्च मिला के ग्राइंड किया था। इस मिक्सचर को हम अब चिकन में ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी डालने की वजह से पालक का कलर बहुत ही अच्छा आया है। चुटकी भर ही चीनी डालना है बॉयल करते वक्त, और इसे तुरंत आप ठंडे पानी में डाल दीजिए। पालक को ज़्यादा देर बॉयल नहीं करते हैं। तो इस रेसिपी में बेसिकली हमें पालक की जो कलर है वो रिटेन नहीं रखना है, हम पालक को अच्छे से भूनेंगे। तो पालक को यहाँ पे एक बार अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर देंगे, ढककर इसे कुक करेंगे। हमारा पालक भी पकना चाहिए और चिकन भी इसके साथ ही पकेगा। हमारी ग्रेवी यहाँ पे हल्की सी भुन चुकी है, आप देख सकते हैं पालक का कलर चेंज होने लगा है। इस स्टेज में हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो
उस हिसाब से उसमें पानी डाल दीजिए। मैंने सेम कप में थोड़ा सा पानी ऐड किया है, हाँ लेकिन यहाँ पे मैंने वही पानी ऐड किया है जिसमें मैंने पालक को बॉयल किया था, तो उस पानी को थोड़ा सा हम ऐड कर सकते हैं जितना हमें ग्रेवी बनानी हो। यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से पालक में पानी ऐड कर दिया है। अब इसे हम ढक के कुक करेंगे जब तक हमारा मसाला अच्छे से भून नहीं जाता है। बीच बीच में चलाते रहेंगे, 4 से 5 मिनट में हमारा ग्रेवी बनके तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं तेल ग्रेवी के ऊपर आ चुका है, बहुत अच्छे से हमारा चिकन भी कुक हो चुका है। फाइनली इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, इसको क्रश करके डाल दें, और कुछ अदरक की जुलियंस, अदरक को पतले पतले लंबे साइज़ में काट के इसमें थोड़ी सी ऐड कर दीजिए। इसकी जो क्रंच है वो बहुत ही अच्छा लगता है और दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, और ग्रेवी को इस वक्त हम मिक्स नहीं करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे ढक के रख देंगे। जब हमें सर्व करना हो उस वक्त हम इस गरम मसाले को इसमें मिक्स करेंगे, तब तक हमारा फ्लेवर गरम मसाले का इसके अंदर बहुत अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो हमारी पालक चिकन बनके तैयार है। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी, अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड में दिए गए बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, परिवार वालों का ख्याल रखिए। नमस्कार।